विश्व विख्यात श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सोमवार को होने वाली भस्म आरती के दौरान फाग उत्सव की धूम देखने को मिली। महाराष्ट्र से आए एक भक्त ने बाबा के फाग उत्सव में 40 क्विंटल फूल अर्पित किए। भस्म आरती के दौरान बाबा के दरबार में फूलों की होली खेलकर फाग उत्सव मनाया गया। नंदी हॉल में भी जमकर भक्तों ने एक दूसरे पर फूल बरसाए और फाग उत्सव का आनंद लिया। मंदिर के पुजारी दिलीप गुरु ने जानकारी देते हुए बताया, हर वर्ष एक क्विंटल फूल बढ़ाकर बाबा की भस्म आरती में फाग उत्सव मनाया जाता है। इस बार 40 क्विंटल फूल अलग अलग तरह के अन्य प्रदेशों से बाबा के दरबार में पहुंचे और फाग उत्सव मनाया गया। कल बाबा महाकाल के दरबार में रंग गुलाल से होली खेली जाएगी। आज सोमवार को भस्म अर्पित करने के बाद भगवान के निराकार से साकार रूप में दर्शन भक्तों को प्राप्त हुए। महाकालेश्वर भगवान के यहाँ पे फागुन महोत्सव में आज 40 क्विंटल फूलों की होली मनाई गई है। भगवान महाकालेश्वर के यहाँ फाग महोत्सव चालू हुआ है। भगवान महाकालेश्वर विश्व कल्याण निमित्तार्थ हम भगवान के यहाँ फूलों की होली बनाई। कल रंगों की होली होगी, गुलाल की होली। क्या नाम है? पुजारी दिलीप गुरु। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।